हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कनिका की रसोई। तो आज हम आपको कनिका की रसोई में दिखाएंगे सिंपल तरीके से ब्रेड पकोड़े बनाना। तो ये देखिए, ब्रेड पकोड़े इतने दिखने में अच्छे लग रहे थे, खाने में भी अच्छे होंगे। तो आप भी ऐसे ब्रेड पकोड़े ज़रूर बनाकर देखना और खाना और कमेंट बॉक्स में बताना। और ये डिस्क्रिप्शन में हमने खट्टी मीठी इमली की चटनी और धनिया की चटनी भी हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़े, वो भी बिना आलू के, जिसके लिए हमने 2 कटोरी बेसन लिया है जिसे हम छान लेंगे। ये हमने 3 से 4 प्याज छोटी छोटी काट ली थी, अब हम इसे बेसन में मिला देंगे। और ये धनिया है, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। और 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वादानुसार आधा चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये हमने इसे पानी डालकर अच्छे से मिला लिया है। हमें इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस इतना ही करना है जिससे कि हमारा ये बेसन जो है ये ब्रेड में अच्छे से लग जाए। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, ना तो हमें इसे ज़्यादा पतला रखना है ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है, इसे बिल्कुल ही नॉर्मल रखना है। और ये हमने ब्रेड ले लिया। आप चाहे तो वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, हमने इसमें ब्राउन ब्रेड यूज़ करी है। और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसे ब्रेड को अच्छे से इसमें मिला लेंगे। ये हमने इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, और ये बहुत टेस्टी बनते हैं। एक बार आप ही इसे जरूर बनाकर देखना। अगर आपके पास आलू उबले हुए नहीं है तो आप ऐसे भी ब्रेड पकौड़े बनाकर खा सकते हैं। एक तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे दूसरी तरफ से सिकने के लिए पलट देंगे। तो अब ये दूसरी तरफ से भी सिक चुका है, अब हम इन्हें गैस से कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और अब हम ये बाकी के ब्रेड पकौड़े भी अपने ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए, हमारे ब्रेड पकौड़े बनकर तैयार हैं। तो आप भी ऐसे ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं, ये आसान और जल्दी बनने वाले ब्रेड पकौड़े हैं। अगर आपके पास आलू उबले हुए नहीं है तो आप ऐसे भी ब्रेड पकौड़े बना सकते हैं। और आप भी ऐसे बनाना और कमेंट बॉक्स में बताना कैसे बने हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।